दोस्तों अगर आपका रिमोट ये काम नहीं कर रहा, कंट्रोलर आपका ऑन ऑफ नहीं हो रहा, तो आपने इसके दो आगे स्क्रू हैं और दो पीछे के साइड हैं। सबसे पहले पावर को निकाल दीजिए। यहाँ पे दो आपको स्क्रू दिख रहे हैं, तो चारों स्क्रू खोल दें आपने। दोस्तों चार पेज खोलने के बाद में आपका ढक्कन ये ओपन हो जाएगा। ढक्कन जब ओपन होगा तो आपको इसके अंदर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं रिमोट किट। रिमोट किट का आपको लॉक खोलना है। ये डब्बी खुल जाएगी, डब्बी खुल जाएगी तो इसके अंदर आपको दिख रहा है वाइट स्विच। तो बेसिकली आपको इस स्विच को दबाना है, इससे पहले आपको कंट्रोल को ऑन करना है। तो ऑन की सेल्फी आपने, अब ये जो बटन है इसको लॉन्ग टाइम प्रेस करना है। लाइट एक बार लिंक करके बंद हो जाएगी और फिर 5 सेकंड बाद एक बार दोबारा से लिंक होगी। अब ये अनपेयर हो गया, किसी भी रिमोट से होगा तो ये अनपेयर हो गया। अब गाइस वापस पेयर करने के लिए आपको इस बटन को दो बार दबाना है, 1 2, और रिमोट के बटन को प्रेस करना है। लाइट देख रहे हैं, लाइट ऑन हो गई। अब आप दबाएंगे तो ये ऑन हो गया, अब दबाएंगे ऑफ हो गया। अब देखते हैं सेल्फी को हम, कि सेल्फी काम करेगी नहीं करेगी। इसको बंद कर दीजिए। इसको बंद करके अभी फिलहाल हम स्क्रू लगा रहे हैं और चेक करते हैं डाटा केबल लगा के। सबसे पहले सेल्फी को ऑन करते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखते हैं, अब मैं रिमोट का बटन दबाता हूँ, सेल्फी ऑन हो गई। रिमोट का बटन दबाता हूँ, सेल्फी ऑफ हो गई। तो हमारा रिमोट पेयर हो गया। तो आपने कुछ नहीं करना, रिमोट किट के बटन को दो बार ही प्रेस करना है और उसके बाद आपने रिमोट का बटन दबाना है तो वो पेयर हो जाएगा। कुछ रिमोट किट के अंदर 3 बार दबाना पड़ता है, कुछ में 2 बार दबाना पड़ता है। तो आपको ये चेक करना है कि 2 बार से आपका वर्क ना करे तो आप उसी बटन को 3 बार प्रेस करें और फिर इस बटन को प्रेस करें तो आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। थैंक यू सो मच।